Good morning, student. In previous video, we have discussed NCERT book. Now, in this video, I am going to discuss about the practice book, which is related to chapter 8. यहाँ पे क्या है? Who is heavier? Chapter 8 का who is heavier? Kilogram और gram. Assignment first क्या है? Kilogram और gram. The standard units of measuring weight is gram and kilogram. Gram को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? जी. और किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं. एक ग्राम इज अबाउट द वेट ऑफ ए पेपर क्लिप. एक किलोग्राम इज अबाउट द वेट ऑफ ए पाइनएप्पल. वन केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 केजी कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है. यहाँ 1 केजी है इज इक्वल टू 500 ग्राम. और 500 ग्राम को ऐड करने पे 1 केजी की यानी कि 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी. यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द करेक्ट यूनिट. यहाँ पे करेक्ट यूनिट लिखना है केजी और ग्राम. क्या केजी होगा कि ग्राम होगा? दैट यू विल यूज टू मेज़र द वेट ऑफ द फॉलोइंग. इसको हम किससे मेज़र कर सकते हैं? ग्राम में. बनाना इसको भी ग्राम में. रिंग को आपको ग्राम में. इसको हम केजी में मेज़रिंग करेंगे. इरेज़र को ग्राम में. एलिफेंट को केजी में मेज़र करेंगे. यहाँ पे क्या है? राइस है. इसको भी केजी में. चेयर को केजी. चिली को हम ग्राम में. यहाँ पे मोबाइल भी मेरा ग्राम होगा. साइकिल आपका किलो केजी हो जाएगा. यहाँ बटर है. यहाँ पे इसको भी हम मेज़र करेंगे ग्राम में. यहाँ टी शर्ट है. ये भी मेरा ग्राम में हो गया. रोप है ग्राम. बॉय है तो केजी हो जाएगा. यहाँ फ्लावर है तो मेरा ग्राम हो जाएगा. इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे. अब यहाँ पे क्या है? असाइनमेंट 2. यहाँ पे क्या कर रहा है? एस्टिमेटिंग वेट्स एंड डिफरेंट वेट्स. आपको यहाँ एस्टिमेटिंग वेट दिया है और डिफरेंट वेट दिया है. इसको पहला क्वेश्चन क्या है? मेज द ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स विद देयर अप्रोक्सीमेट वेट. यहाँ पे मैच करना है तो इसको इससे मैच करने के लिए जैसे हम यहाँ पे पहले मैच करने का सबसे आसान तरीका है. यहाँ पे सबसे देखेंगे सबसे अधिक वेट किसका हो सकता है. तो मेरे ख्याल से सबसे अधिक वेट किसका है? एलिफेंट का. और इधर सबसे अधिक जिसका वेट होगा उससे हम क्या करेंगे? एलिफेंट को क्या करेंगे? मैच कर देंगे. 3000 वेट सबसे ज़्यादा है तो मैच कर देंगे. उसके बाद किसका वेट हो सकता है सबसे ज़्यादा? तो टाइगर का. टाइगर को हम मैच कर देंगे सबसे ज़्यादा उससे कम वाले वेट से. उसके बाद ये दोनों मैच करने के बाद उसके बाद टीवी सेट्स उसके बाद उस सबसे ज़्यादा होगा उससे हम मैच कर देंगे. तो 10 केजी से मैच कर देंगे. ये तीन उसके बाद हम मैच करने का तरीका है. उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे कम वेट जो होगा उसको हम मैच करने का कोशिश करेंगे. इसमें इस साइड में आप देखिएगा सबसे कम किसका वेट हो सकता है? तो सबसे कम वेट हो सकता है बेबी सॉक्स का. बेबी सॉक्स यहाँ इधर में सबसे कम वेट किसका है? 20 ग्राम है. तो इससे इसको मैच कर देंगे. ठीक है. उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद समर टी शर्ट को मैच कर देंगे उसके बाद 250 ग्राम में. ठीक है. उसके बाद रैबिट हो सकता है. रैबिट को हम मैच कर देंगे किससे? 2 केजी से मैच कर देंगे. उसके बाद है यहाँ पे 3 केजी. 3 केजी को हम मैच कर देंगे किससे? किचन ब्लेडर से. किचन ब्लेडर से हम मैच कर देंगे 3 केजी. उसके बाद क्या रह गया मेरा? प्रिंटर स्कैनर 6 केजी. इसको इससे मैच कर देंगे 6 केजी. ठीक है. एलिफेंट को मेरा हो गया 3 और टाइगर मेरा 250. सबको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे. अब यहाँ पे क्या कर रहा है? मैच द फॉलोइंग वेट. मैच करना है तो पहले यहाँ पे जितने भी वेट दिया है इसको ऐड करके पहले हम लिख लेंगे. इन सभी को ऐड करने पे क्या आता है मेरा? 5 केजी. इन सभी को ऐड किए तो मेरा क्या आता है? 5 केजी. 5 केजी इधर जो होगा उससे मैच कर देंगे. ठीक है. सेकंड में आपका क्या है?
इन सभी को ऐड किए तो कितना आया, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम हो जाएगा। सभी को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम यानी कि 2 kg। तो हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे 2 kg से, मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट में क्या है देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 kg प्लस 2 kg प्लस 5 kg प्लस 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 10 kg। सभी को ऐड करने पे मेरा क्या हो जाएगा, 10 kg, तो 10 kg से मैच कर देंगे। फिर यहाँ पे इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम यानी कि 500 ग्राम। 500 ग्राम से हम इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को हम क्या लिखते हैं, 1 kg। तो इसको इससे मैच कर देंगे। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज में, असाइनमेंट 3, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वेट्स। यहाँ पे एडिंग करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरेंज द किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इन डिफरेंट कॉलम्स। डिफरेंट कॉलम में पहले हम इसको अरेंज करेंगे। एड और सब्ट्रैक्ट एज इज डन इन केस ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स। पहले अरेंज करके उसके बाद उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे अरेंज वर्टिकली एंड सॉल्व द फॉलोइंग। पहले हम इसको अरेंज करेंगे उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। जहाँ ऐड है ऐड करेंगे, जिस क्वेश्चन में मेरे को सब्ट्रैक्स है वहाँ पे हम सब्ट्रैक्स करके इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में, असाइनमेंट 4। यहाँ पे क्या है, वेट्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, टीना अबाउट 750 ग्राम्स मैंगोज, रुचि अबाउट 5 kg 250 ग्राम मैंगोज, हाउ मच टोटल मैंगोज डू दे हैव ऑल टुगेदर। तो क्या करेंगे इसमें ऑल टुगेदर, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे मेरा क्या आ जाता है आंसर, 6 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ रवि इज 34 kg 600 ग्राम एंड वेट ऑफ मिलन इज 32 kg 260 ग्राम्स, हु इज हीवियर। तो किसका ज़्यादा वेट है, तो रवि का वेट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसका कितना है, 34 है, और मिलन का कितना है, 32। और बाई हाउ मच, तो क्या करेंगे इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसको अरेंज करके लिख लेंगे उसका माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे की चीज़ को क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, 2 kg 340 ग्राम। इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रागो वेट 97 kg 2 months बैक, हिज प्रेजेंट वेट इज, अभी आज उसका वेट कितना है, 103 kg 420 ग्राम्स, हाउ मच वेट हैज़ ही गेन इन 2 months। तो उस कितना गेन किया, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने का पॉइंट के आगे चीज़ क्या होगा मेरा, 6 kg 420 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षा वाज हाफ द वेट ऑफ राहुल। हर्षा का जो वेट है वो राहुल से क्या है, हाफ है। आरोहन वाज 3 times द वेट ऑफ हर्षा। और रोहन का जो वेट है वो 3 times ज़्यादा है किससे, हर्षा से। इफ़ राहुल वेटेड 44 kg, अगर राहुल का वेट 44 kg है, हाउ मच डिड हर्षा एंड रोहन वेट। तो हर्षा रोहन का वेट क्या हो जाएगा, तो हर्षा का वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है हर्षा वाज द हाफ ऑफ द वेट ऑफ राहुल। तो राहुल का हाफ है, तो उसको 2 से क्या डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 22 kg। और रोहन का वेटेड क्या हो जाएगा, अगर वो क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, रोहन वाज 3 times ऑफ द वेट ऑफ द वेट ऑफ हर्षा, तो 3 times, तो उसको 3 से क्या करेंगे, हर्षा के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 66 kg। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मधु अबाउट 5 kg राइस, सी अबाउट
फ्लोर डबल द वीट ऑफ राइस, जो वो डबल ले रही है राइस से, और दाल हाफ ऑफ द वीट ऑफ द राइस, राइस से क्या है दाल हाफ है, एंड ऑरेंज इज थ्री टाइम्स द वीट ऑफ दाल, ऑरेंज जो है थ्री टाइम्स द वीट ऑफ द दाल, दाल से थ्री टाइम्स ज़्यादा है, और फाइंड द टोटल वेट ऑफ द आइटम्स। उसके बाद क्या करना है, टोटल वेट बताना है आपको। अगर राइस का वेट क्या है 5 kg है, तो फ्लोर का वेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 10 kg हो जाएगा। ओके, दाल, दाल का हाफ ऑफ द वेट, यहाँ पे क्या है दाल हाफ ऑफ द वेट ऑफ द राइस, राइस का हाफ है, तो इसको क्या 5/2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2.5 kg, यानी कि 2 kg 500 ग्राम। और ऑरेंज क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज इज थ्री टाइम्स द वेट ऑफ द दाल, थ्री टाइम्स क्या है मतलब कि ज़्यादा है, मतलब कि तीन गुना है दाल से, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 को, यानी कि 7.5 kg, यानी कि 7 kg 500 ग्राम। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम सभी को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे क्या हो जाएगा 5 kg, 10 kg, 2.5 kg और 7.5 kg, सभी को ऐड करने पे क्या हो जाएगा 25 kg। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 25 kg। थैंक यू स्टूडेंट।